तो दोस्तों आज का जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, तो ये हमारे पास जो टैबलेट आया ये एसर का टैबलेट है। इस एसर के टैबलेट के अंदर अगर देखा जाए तो इसका एलसीडी ख़राब हो गया है। क्या ख़राब हो गया है? इसका टच काम कर रहा है फिलहाल, और टच अलग होता है, डिस्प्ले इसमें अलग आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस टैबलेट को खोलेंगे। टैबलेट खोलने के बाद इसके डिस्प्ले को चेंज करेंगे। डिस्प्ले चेंज करने के बाद इसके प्रॉब्लम को पूरा देखेंगे। ये वही टैबलेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से बैठे हुए हैं, जो अपने यूपी गवर्नमेंट में टैबलेट बैठे हुए हैं, और इसका डिस्प्ले का कितना खर्चा आता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, और डिस्प्ले को चेंज कैसे करेंगे इसके बारे में पूरा टोटल सब कुछ वीडियो के माध्यम से आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो ये जो टैबलेट होता है, तो सबसे पहले बात क्या करेंगे, टैबलेट का जो बॉडी है इसको खोलना पड़ेगा। आप कहीं से भी साइड में देखेंगे, कहीं से बॉडी खोलने के लिए कुछ ऐसा बना हुआ होगा जहाँ से आप बॉडी को ओपन करेंगे। ये पीछे का ढक्कन है, ये खुल जाएगा। ये हमको पीछे का बैक ओपन कर देना है। ये बैक ओपन होने के बाद हमारा इसमें से एक टच का पत्ता होता है, एक डिस्प्ले का पत्ता होता है, ये ऑन ऑफ स्विच का पत्ता होता है, ये सारे पत्ते इसमें लगे हुए हैं। बैटरी के इसमें प्लस माइनस का पत्ता दिया हुआ है, जो बैटरी हमारी इस मदरबोर्ड में क्या होती है, सोल्ड होती है। ठीक, हम लोग इसको सबसे पहली बार क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, पूरा स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहली बात, इसको तो आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, ये स्विच ऑफ होगा नहीं क्योंकि टूटा हुआ है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैटरी रिमूव करना पड़ेगा। बैटरी रिमूव करने के लिए हमको पहले सोल्डिंग आयरन से के माध्यम से बैटरी को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी इसमें क्या है, सोल्डिंग वाली लगी है। कैसी लगी है? सोल्डिंग वाली लगी है। इसके लिए आप पहले आयरन का जो प्लग है इसको लगा दीजिए। जो भी सारी चीज़ें पहले इसमें लगी इनको आसानी से एक एक करके आप क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये जितने सारे पत्ते हैं सारे पत्ते को आप रिमूव कर लेंगे। एक एक करके जो भी सारे स्क्रू ओपन कर लेंगे, जिससे आपका बोर्ड फ्री हो जाएगा। पहली बात तो हम देखेंगे, हो सकता है डिस्प्ले हमारी इसी साइड से निकल आएगी, तो हमको उधर से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं निकलेगी तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। ये आपका बैटरी लगा हुआ है। अगर आप नीचे की साइड देखेंगे तो हो सकता है ये आपका एलसीडी का पत्ता हो। पहले आप इसको बैटरी को ऐसे रिमूव करेंगे। बैटरी रिमूव करने के बाद ये आपका डिस्प्ले का पता है, लेकिन हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के बाद ही आप इसमें रिपेयरिंग करेंगे। चलते हुए में कभी डिवाइस में आप डिस्प्ले को नहीं लगाएंगे। बैटरी में ध्यान रखेंगे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, वैसे प्लस माइनस में लिखा भी होता है। एक मिनट के लिए बेटा फैन बंद करो। पेस्ट लाओ जरा। पेस्ट न लगाने की वजह से थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, हम लोग पेस्ट लगाएंगे तो रंगा ढीला हो जाएगा तुरंत हमारा निकल करके।
यही मैंने आपको बताया था कि यही रांगे की क्वालिटी होती है, कि रांगे की क्वालिटी अच्छी होती है तो आप जैसे आयरन रखते हैं तो निकल आता है। और ये जो डिसोल्डिंग वायर होता है ये हमारा यही काम करता है, पेस्ट किसी रांगे को ढीला कर देता है। देखो अब हमारा ये खुल गया है, फैन कौन कर रही है। आयरन के लिए फैन सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि जैसे फैन चलता है तो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। हम लोग जितने सारे टेप हैं सारे टेप को पहले अलग कर लेते हैं। टेप अलग करने के बाद मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। ये आपका कैमरा लगा हुआ है, इसके डिस्प्ले को हम लोग कैसे चेंज करेंगे पूरा हम स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहे हैं, ताकि आप लोगों के पास कल कोई आएंगे तो आप उनको आसानी से क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। ये आपका पूरा जाल निकल के बाहर आ गई, ये मदरबोर्ड है, इसमें स्पीकर, रिंगर, ईयर स्पीकर, बात करने वाले स्पीकर सब कुछ इसमें फिट है। इसको हमने निकाल के अलग कर लिया। अब आपका ये नीचे का जो बचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्ले। ये डिस्प्ले का पूरा पत्ता दिया हुआ है, ये बेल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करने के लिए इसको निकालेंगे। हो सकता है ये ऐसे ही निकला है, अगर ऐसे नहीं निकलता तो आप इसको सेपरेटर में रख करके गर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेटर में रख के गर्म करेंगे तो एलसीडी का हो जाएगा, जब हमारा हीट हो जाएगा तो ढीला हो जाएगा। फैन को थोड़ा बंद कर दीजिए। पैसा लिया जाता है 1000, 1200, 1500 रुपया लिया जाता है, और जबकि अगर मार्केट में आएगा कितने का, 600, 700, 800 रुपये अप्रॉक्स में, 600, 700। इसका डिस्प्ले कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, देखने को बहुत बड़ा होता है। अरे बहुत महंगा होगा, मोबाइल फ़ोन से महंगा होगा, मोबाइल फ़ोन से और आधा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर TFT डिस्प्ले लगा होता है। TFT डिस्प्ले और LCD के डिस्प्ले में बहुत जमीन आसमान अंतर होता है, रेट का बहुत अंतर होता है। ये गर्म होने के बाद हमारी डिस्प्ले इधर से ही निकल आएगी, वरना कई मोबाइल फ़ोन या टैबलेट में ऐसा भी होता है कि हमको दूसरी साइड से भी खोलना पड़ जाता है। क्यों खोलना पड़ जाता है? क्योंकि डिस्प्ले को लोग क्या कर देते हैं, मतलब इधर से फ्रेम में लगी होती है, उधर से चिपकी होती है। पहले टच निकलेगा तब डिस्प्ले निकलेगा। अब देखो इसमें ऐसा हुआ है कि देखो टच बचा हुआ है, टच में कोई कमी नहीं है, लेकिन डिस्प्ले फूट गया। क्या हो गया इसमें? क्या है कि किसी ने बैठ गए, जैसे बैठने की वजह से दबाव पड़ा है, प्रॉपर तरीके से नहीं बैठे, लेकिन डिस्प्ले चटक गया। जब डिस्प्ले चटक गया तो
डिस्प्ले चिटक गया तो डिस्प्ले हमारा खराब हो गया, यहाँ से टूटा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले को मार्केट से नया मंगाएंगे, नया मंगाने के बाद इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद इसको लगाएंगे, कितने का आया है सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसका बेल्ट होता है, इसी बेल्ट को हमको क्या करना होता है, लगा देना होता है। और जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग होती है सेम उसी तरीके से टैबलेट की रिपेयरिंग होती है, वही स्पीकर, रिंगर, माइक, चार्जिंग जैक, कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, आईसी, कैमरा, मेमोरी जैक, सिम जैक सेम वैसे ही लगे होते हैं, रिपेयर करने का तरीका सिमिलर ही होता है। इसके पार्ट्स मोबाइल फ़ोन से भी सस्ते आते हैं क्योंकि क्वालिटी डिस्प्ले की डाउन होती है, इसलिए डिस्प्ले सस्ती आती है। ठीक है सर, अभी थोड़ा सा नया मंगाइए ताकि मैं डाल के दिखाता हूँ बच्चों को, एंड टू एंड प्रैक्टिकल करते हैं। अब डिस्प्ले लगाने को तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले को चेक करेंगे। ऑन हो गया फोन, लाइट जली दिखाई दे रही है। इसका ऑन ऑफ बटन कौन सा है, नीचे का। डिस्प्ले में लाइट जले लेकिन डिस्प्ले ब्लैंक आ रही है, अभी कुछ में चित्र नहीं आ रहा है। ये लाइट बंद करो जरा, ये वो साइन है। डिस्प्ले में कोई अभी चित्र नहीं आ रहा है, हो सकता है किसी कारण डिस्प्ले लूज हो। हम लोग डिस्प्ले का पत्ता एक बार दोबारा निकाल के लगाएंगे। हो सकता है एलसीडी का पत्ता ना लगाओ, एक बार देख लेते हैं ऐसा नहीं डिस्प्ले में कोई दिक्कत हो। अब देखो डिस्प्ले हमारी आ गई, तो पहले कारण क्या था कि उसका पत्ता सही से नहीं लगा था, जिस कारण से दिक्कत थी। फिलहाल हम लोग एक बार इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे तसल्ली से। ये काम कर रहा है, देखो इसमें युवा शक्ति की क्षमता, जो कि मोदी जी की फोटो आ रही है। तो नहीं रही,
आधी आ रही है, चलो आधी से काम चला लेते हैं। हाँ भैया जी। नहीं नहीं यार भैया फोन बना रहे थे वहाँ पे, नहीं उठाया बताइए। नहीं आ रहे भैया वहाँ शाम। नहीं 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 तो भैया कल तो नहीं घर चले गए थे, ठीक है फोन तो बंद हो गया था तो आप कोई इसने थोड़ी किया किसी से बात ना होती है तो जॉब किया हो। अभी या अगर आ रहा हूँ ठीक है तो आप चले के जाते हैं, आना सामान। हाँ आना सामान भी लेना है तो मार्केट में जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल आपको पैसा नहीं 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 ऐसा नहीं आप ऐसा नहीं देते ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हमारा पूरा चालू हो गया है। तुम्हारे बड़े पापा नहीं आ रहे? बाबा घूमने रहे। एलसीडी पूरी चल रही है, वो वॉलपेपर उनका ऐसा ही लगा हुआ है। तो ये हमारा डिस्प्ले पूरा रेडी होगा, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसको पूरा बंद करेंगे। तो हम लोग इसको पैक करने के लिए पहले डिस्प्ले को बाहर निकाल देंगे। अब इसके ऊपर जो पन्नी लगी होती है हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। अभी बैटरी नहीं चार्ज हुई है। ये हमारी फिट हो गई, फिट होने के बाद इधर से देख लेंगे प्रॉपर तरीके से सेट हो गए। बैटरी
डेड है यार। हाँ ये सच, ये देख बैटरी डेड का बता रहे, चार्जिंग लगा उसको थोड़ी देर, चार्जिंग लगा रहा, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बैटरी नहीं डलेगी। अच्छा, तो दिक्कत तो नहीं होगी वो खुलने के बाद, बैटरी डालने के बाद पता चलेगा। ये हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया, मैं इसको पूरा पैक करके आपको पूरा रेडी करके दिखाता हूँ। Thank you.
बंद है। तो ये देखो, ये जो हमारा टैबलेट था, इस टैबलेट की हमारी क्या खराब हो गई थी, डिस्प्ले खराब हो गई थी और ये एलसीडी थी, और इसकी एलसीडी को हम लोगों ने चेंज किया। वैसे तो टैबलेट की डिस्प्ले सस्ती आती है, मार्केट में कहीं नहीं मिली है, तो ये हमको डिस्प्ले 1700-1800 रुपए की मार्केट में डिस्प्ले मिली है, जिसको हम लोगों ने क्या किया है, चेंज किया है। और इसका चेंज करने का मार्केट में 300-400 रुपये 500 रुपये इस चेंज करने का पैसा लिया जाता है। मोदी जी ने टैबलेट बांट दिया, डिस्प्ले बांट दिया, सबको तो बांट दिया, लेकिन स्पेयर पार्ट्स नहीं बांटे। अगर वो भी बांट देते तो फ्री में लोगों को मिल जाते, क्योंकि इसमें तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। ये हमारा देखिए फर्स्ट क्लास चल रहा है, जितने इसके फंक्शन है वो सारे फंक्शन हमारे ओपन हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने टैबलेट की जो डिस्प्ले है उसको कैसे चेंज किया जाएगा, उसका तरीका हम लोगों ने सीखा है।